हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में स्पेशली इस गाड़ी के बारे में, कौन सा वेरिएंट है, कौन सी गाड़ी है, क्या है, सब कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। जो जो नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल है, जल्दी से ग्रोथ करना है इसको। और जो जो भाई लोग देख रहे हैं ना, लाइक जरूर करना। तो सामने है हुंडई की ग्रैंड i10, जो कि K12 इंजन के साथ आती है, CNG गाड़ी है ये। और ये है सेकेंड टॉप मॉडल ग्रैंड i10 की बेजिंग है, और स्पोर्ट्स आती है इसके ऊपर, एस्टा आती है जो कि टॉप होती है, और ये नियोस है, नियोस ओके, ग्रैंड i10 की बेजिंग। उसके बाद अभी जो 2023 के जो वेरिएंट आ रहे हैं ना, उसमें आपको इस गाड़ी में स्पोर्ट्स, एस्टा वेस्टा ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और अभी जो स्पोर्ट्स आ रही है उसमें आपको अलॉय व्हील भी नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने 2022 का वेरिएंट लिया, क्योंकि 2023 में ख़रीदी हमने ये, लेकिन 2022 का बना हुआ। उसका कारण यही था कि एलॉय व्हील हमको मिले हैं, और अगर मैं एस्टा लेता तो उसमें डायमंड कट एलॉय व्हील मिलते और एक आध फीचर और कुछ मिलता, बाकी सब कुछ इसमें ये टॉप मॉडल ही है समझ लो। और ये CNG गाड़ी है, यहाँ पे आपको ये सब मिल जाता है। और ये पानी डल रहा है इसमें, ये आईने को साफ़ करने के लिए इसमें पानी ख़त्म हो गया था। और बाकी ये गाड़ी इतनी साइलेंट है, अगर चालू करके अपन बगल में खड़े हैं तो आवाज़ भी नहीं आती है, और एवरेज बहुत अच्छा देती है। हमने इसका कई बार माइलेज टेस्ट करा है, ये लगभग हमको मतलब एक टंकी गैस जो है 8 किलो 300 ग्राम, इससे ज़्यादा 9 किलो, हद से 9.25 किलो, इससे ज़्यादा नहीं, 12 किलो की टंकी है इसमें। देखो मैं आपको टंकी दिखाता हूँ, ये जो टंकी है इसके अंदर, ये 12 kg की है। देखो ये टंकी लगी है इसके अंदर जो कि 12 किलो की है, बट इसके अंदर अभी 9 किलो से ज़्यादा हमने कभी गैस भरते हुए देखी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया दिया, ट्रे वगैरह भी है, सब कुछ है। अगर यहाँ से आप देखें पीछे से, तो रियर सीट पे बैठने वालों के लिए रियर AC वेंट भी दे रखे हैं, फ्रंट में भी AC वेंट हैं। और साथ ही साथ इसको बंद कर देते हैं पहले, आप इसमें बात करो तो ये देखो, ये ऑटोमेटिक AC है इसके अंदर, और ये एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले सब कुछ है, और काफ़ी सारा स्पेस है, मतलब बहुत कुछ। बस ये कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया है, और अभी जो 2023 वाला आ रहा है ना उसमें क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है, इसमें नहीं दिया है, और ऑटो डिमिंग नहीं दिया ये, और बाकी सब तो नॉर्मल ही है। बाकी इंटीरियर की डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, सारे कंट्रोल यहाँ भी दे रखे हैं ओके। और वाइट कलर में ली है, छोटी गाड़ी है तो वाइट ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया एवरेज हमको मिल जाता है ये देखो। और ये बहुत हम बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते हैं, काफ़ी कचरा हो रखा है, भर दिया पानी, कर दो बंद, फिल्टर है वो साफ हवा, इसके अंदर ही फिल्टर है, कैसे बोलता है। तो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, गर्मियाँ चल रही हैं तो AC परमानेंट चला के रखना पड़ता है, तो AC का जो फिल्टर है वो हमारा गंदा हो गया, चौक हो गया, तो अंदर ठंडक ही ना करे। तो फिर हम इसको लेके गए कहाँ पे, वर्कशॉप पे, उन्होंने 200 रुपये का है, 196 रुपये का AC का फिल्टर, वो नया डाला और मस्त काम करने लगा, ठीक है। क्लच इनकी ढीली हो गई थी तो यहीं से हाथ डाल के भाई साहब ने कर दिया। अब सोनू कह रहा है कि इसके अंदर ही फिल्टर है, हाँ तो मत खोलो, ज़रूरत क्या है, अभी सर्विस पर जाएगी तो खुल जाएगी। और भाई साहब आप मानोगे नहीं, 2 महीने या 3 महीने होगा शायद, है ना, 3 महीने में हमने इसको 6,500 किलोमीटर चला लिया है, 3 महीने पूरे नहीं हुए। और इस गाड़ी को कितने 6 महीने हो गए, ये अभी 8,500 किलोमीटर ही चली है, 8.5-9 चल गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये देख लो कुछ ऐसी दिख रही है गाड़ी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और हम अभी क्या हो रहा है, कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला कि यार आप इसी को क्यों चलाते हो, स्कॉर्पियो को क्यों नहीं चलाते, और गाड़ियों को क्यों नहीं चलाते। वो इसलिए कि विदिशा शहर में जो सड़कें हैं वो काफ़ी सक्री हैं, और उनमें इतनी चौड़ी गाड़ी ले जाना संभव नहीं होता है, और ये इतनी सक्री छोटी सी गाड़ी है। और आप देखोगे यहाँ से ये जो विंडशील्ड है, विंडशील्ड से लेके इसकी लंबाई बहुत ही कम है, और ज़रा सी जगह में घूम जाती है, ज़रा सी जगह में टर्न हो जाती है, और सामने से देखोगे ना इसकी चौड़ाई भी ज़रा सी है, तो कहीं भी लग जाती है, पार्क कर दो ज़रा सी जगह में और वहीं के वहीं घुमा लो, ये बहुत आसान हो जाता है। कहने का सीधा मतलब ये है कि ये गाड़ी को मोड़ना, इधर उधर करना बहुत आसान है, फटाफट कर लो, कहीं भी ले जाओ। हम शहर के अंदर भी हम टोटली इसी गाड़ी को चलाते हैं, कहीं भी जाना हो
हम हर जगह यही जाते हैं। अब देखो ऐसे में आप, ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चौड़ाई है। इसके पहले जब हम इस गाड़ी को यूज़ करते थे हमारी टोयोटा एटियोस को, तो ये गाड़ी की आप अगर लंबाई ऐसे में देखोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, विंडशील्ड से लेके यहाँ तक ये बहुत लंबी गाड़ी है। आगे यहाँ तक आप देखोगे काफ़ी लंबी है, और अंदर से भी इसकी हालत भी दिखा देता हूँ यार, क्या ख़तरनाक हालत हो रखी है जगह। ये देखो अंदर से आप हालत देखो, ये बाढ़ की मरी हुई पड़ी है बेचारी, अभी तक इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। और हर जगह से इस गाड़ी से सबसे ज़्यादा घुमाई करी हमने, हर कहीं घूमने जाते थे और ये सब ख़त्म हो चुका है। इसमें इंटीरियर देख लो इसका क्या क्या हो रखा है, और ये ऐसी बाहर रखी हुई है, हवा भी नहीं है इसके अंदर, और ये अब सब आसानी से खुलते भी नहीं हैं। और इतनी सारी जो बाल्टियाँ दिख रही हैं ये यूरिया की बाल्टियाँ हैं जो कि 12 टायर के अंदर डलती हैं। ओके, बाकी इसके जो अलॉय व्हील हैं वो बहुत शानदार हैं, और पीछे से इसका कुछ डिज़ाइन ऐसा था, एटियोस लीवा अपनी। इन सब के बावजूद हमको ये गाड़ी की तुलना करें ना तो ये एक सेडान जैसी थी, जबकि ये एक प्रॉपर हैचबैक ही है, बल्कि हैचबैक से भी छोटी है, कॉम्पैक्ट हैचबैक कह लो, इतनी छोटी है, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने कई सारी, हमने टियागो देखी, हमने स्विफ्ट देखी, अब अल्टो वल्टो तो चलाएंगे नहीं यार, हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आता उसमें, तो ये गाड़ी हमको परफेक्ट लगी और हमने डिसाइड कर लिया कि हमें यही गाड़ी लेने चाहिए, इसलिए ये गाड़ी जो है हमने ली। और आज 3 महीने पूरे होने वाले हैं जल्दी, आई थिंक ये 10-11 दिन बाद 3 महीने हो जाएंगे, ठीक है। और तब से लेकर अब तक हमने इसको 6,500 किलोमीटर भी चला लिया है, इसकी सेकंड सर्विस होगी 10,000 किलोमीटर जब हो जाएंगे। ओके, तो भाई साहब शाम का समय है, सनसेट हो रहा है, टोपी तो उतार देते हैं, थोड़े से बाल ख़राब हो जाते हैं। शाम का समय है और पीछे ये जो भवन बन रहा है इसमें अभी तक मैंने आपको सिर्फ सीढ़ियाँ दिखाई हैं जब भी ऊपर चढ़ के गया हूँ, अंदर क्या हो रहा है ये नहीं दिखाया, तो अभी अंधेरा हो गया है। मैं किसी वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि ये क्या बन रहा है और इसके अंदर क्या क्या है। बेसिकली ये ऑफिस है, और इतने 2 मंजिल में हमने क्या क्या बनाया है, कैसे कैसे क्या क्या डिज़ाइन हुआ है, वो सब भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, तो उसके लिए बने रहना, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सूना सूना लग रहा है क्योंकि मशीनें चलने गई हैं, बाकी की एक मशीन खड़ी हुई है बस अपनी, और ये डंपर खड़े हैं, ये वाली गाड़ी रात में चलेगी, और काफ़ी सूना सूना लग रहा है यहाँ पे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके देखो यार ज़्यादा मज़ा आएगा, पैसे थोड़े लगते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल।